हेलो एवरीवन वेलकम टू करनाडा अफेयर्स फंडा दिस इज मानवी और आज हम लोग करेंगे सिलेक्शन सीरीज का डे 23 थ्री कौन सा डे करना है आज हमें 23 इससे पहले हम तो 22 डेज कंप्लीट कर चुके हैं अपने और ये 30 डेज तक हमें कंप्लीट करना है ये जो कि काफ़ी यूजफुल है आर आर बी प्योर क्लर्क प्री एग्ज़ाम के लिए ठीक है प्री के लिए ध्यान में रतु सीरीज स्टार्ट की गई थी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं आठ व्यक्ति पूरा आराम से पढ़ सकते हैं एट परसन ए बी सी डी एफ जी एच इन अ स्ट्रेट लाइन एक स्टेट लाइन में बैठे हुए हैं सम परसन फेस साउथ एंड सम समर्सन फेस नॉर्थ कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं कुछ लोग नॉर्थ फेस कर मतलब कुछ लोग ऊपर देख रहे होंगे कुछ लोग नीचे देख रहे होंगे नॉर्थ साउथ क्या होते हैं विपरीत होते हैं एक दूसरे के ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ होगा अब ये बस मेन मेन बात यही थी कि आठ लोग हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं साउथ फेस कर रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं फिर क्या लिखा हुआ है डी सिट द लेफ्ट ऑफ ई हु सिट सेकिन द राइट ऑफ एच अब देखो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे अभी हमें ये नहीं पता कि एच किस साइड देख रहा है या फिर ई e किस साइड देख रहा है ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके जब ये नॉर्थ साउथ वाला कुछ केस आता है तो हम ये मान के नहीं चलते हैं कि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ नीचे साउथ है हम लोग बस ये मान के चलते हैं कि वो ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है उसके बाद बाद में उसको चेंज कर लेते हैं हम ये मान के चल रहे हैं ई e से स्टार्ट करेंगे तो जो ई e होगा वो ऊपर फेस कर रहा होगा ई के जो है डी सेकेंड लेफ्ट में मतलब डी इस साइड आ जाएगा एंड हु मतलब ई की बात कर रहे हैं ई हु E जो है वो H के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है अब अगर मैं H के सेकेंड राइट right, मतलब एक क्या है बीच में अब इस साइड तो H पॉसिबल नहीं है यहाँ पे D आ चुका है इसका मतलब ये इस साइड ही आ आएगा और ये नीचे देखिएगा तभी इसका सेकेंड राइट right E यहां पर आ पाएगा इस तरह से अब बोल रहे हैं डी सिर्ट थर्ड राइट ऑफ जी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड अब जो डी है वो जी के थर्ड राइट में है लेकिन जी एंड पर है अब थर्ड राइट का मतलब बीच में दो लोग होने चाहिए अगर हम इस साइड काउंट करेंगे इसको तो दो के बाद यहाँ पर तो जी अगर आया भी तो एंड पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये है कि वन टू यहाँ पर क्या आ जाएगा जी और जी के राइट में आना है वन टू थ्री राइट में तो जी ऊपर देख रहा होगा अब लोग कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर आठ लोग कंप्लीट हो चुके हैं जी इस वाले एंड पर है एच राइट एंड पर है अब बोल रहे हैं G faces north. अब जी फेसिस नॉर्थ अब देखो जी ऊपर दिख रहा है इसका मतलब तो पता लग गया कि ऊपर ऊपर क्या क्या है है पर नीचे क्या नीचे हो हो जाएगा जाएगा साउथ अब क्या लिखा है, है. और, और, uh, आगे लेकिन हाँ ये पता है कि बी और एफ आने साथ में तो एक ही जगह दिख रही है और आने की यहां पर ये दोनों जगह दिख रही है बोल रहे ई इज नॉट द नेबर ऑफ जी अब ई e, जी तो पता ही है जी यहाँ पर है ई e, यहाँ पर नेबर नहीं है इसका बी सिट्स फोर द राइट ऑफ सी अब जो सी के राइट right में फोर्थ बैठा है कौन बी मतलब सी और बी के बीच में कितना है गैप है तीन का गैप होना चाहिए और सी के राइट right में है सी के राइट right में ऐसा आएगा अगर सी ऊपर देख रहा है तो राइट right में बी आएगा तीन के गैप पे तो अगर देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तुम्हारे एफ और बी आने हैं एफ और बी पता नहीं कौन साइड आएगा एफ और बी ही अगर सोचो बी इस इस पे हुआ तो वन टू थ्री गैप पे यहाँ पर यहाँ पर क्या आना चाहिएगा फिर सी यहाँ पर लेकिन ई आया हुआ इसका मतलब पता लग गया कि बी यहाँ पर है वन टू तीन गैप पे सी यहाँ पर है अब सी के राइट में तो सी ऑब्वियस नीचे देख रहा होगा जब बी आ चुका तो यहाँ पर ऑब्वियस यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ़ तो एफ़ यहाँ पर आ गया ठीक है तो इसको हटा देते हैं नीचे अब क्या बोल रहे हैं लास्ट में अच्छा ये बताया कि एफ के राइट में है भी. तो एफ के राइट में तब पॉसिबल ऊपर देख रहा हो राइट में भी तभी आ पाएगा अच्छा अब क्या बच रहा है अब बोल रहे हैं इमीडिएट नेबर ऑफ डी ने अपोजिट डायरेक्शन अब जो डी है डी के जो नेबर है मतलब जो ये वाला है ये वाला जो पर तो पर्सन है वो आपस में जो होंगे वो देख रहे हैं अलग अलग मतलब अगर एक ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा होगा साउथ देख रहा है तो नॉर्थ देख रहा होगा फिर बोल रहे हैं एफ सिट्स सेकेंड द राइट ऑफ डी हू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी अब देखो ये बोल रहे हैं डी है वो बी के मेरे राइट में है राइट में तब पॉसिबल जब बी कहा नीचे देखिएगा अब ये बोल रहे हैं डी के राइट में है एफ लेकिन डी के राइट में एफ कैसे होगा एफ ये लिखा हुआ एफ कैसे होगा जब ये नीचे देख रहा होगा साउथ में अब सारे सेट हो गए अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड फेसिस द

काउंट तो करो साउथ देख रहे हैं देखो नीचे साउथ तो देख तो है, है तो फोर ऊपर राइट ऑफ जी जी के इमीडिएट राइट right में कौन बैठा हुआ है जी ये लिखा हुआ है जी के राइट right में कौन है एफ है आंसर क्या हो जाएगा एफ दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हेयर एफ फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू बी एच कहाँ है बी के रिस्पेक्ट में एच ये लिखा हुआ है भाई बी ये लिखा हुआ है अब बी के रिस्पेक्ट में ऊपर राइट में जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइव क्या आ गया फिफ्थ टू द राइट दैट इज ऑप्शन डी इज राइट हेयर फिफ्थ टू द राइट ठीक है अच्छा अब आगे देखो आगे बोल रहे कुछ ग्रुप बन रहा है चार लोगों का कुछ एक का नहीं बन रहा बताना कौन से वाले का नहीं बन रहा है क्या लिखा हुआ है बी एस एच जी और ई बी एफ एच जी और ई e. देखो ये लिखा हुआ है बी एफ एच जी और ई e. अगर आप नोटिस करें तो ये सब ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ में देख रहे हैं लेकिन जो तो एच है वो साउथ देख रहे हैं यहाँ पर एच अलग हो गया तो हम एच टिक कर देंगे यानी कि ऑप्शन सी इज राइट या एच फिर क्या बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन ई एंड जी ई और जी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं देखो ई e ये लिखा हुआ है राइट right, और जी ये लिखा हुआ है कितने लोग हैं वन टू थ्री फोर फोर लोग हैं मतलब फोर पर्सन आर देयर डेट इज ऑप्शन

इज गोइंग विद हिज वाइफ अपनी वाइफ से जाता है किसके साथ ओ के साथ जाता है राइट एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एच जो है जो एच जो है वो पी के चाचा है पैटर्नल मतलब पापा की साइड के भाई होंगे मतलब क्या होगा कि पी के कोई पापा मतलब पापा होंगे यहाँ पर उसके उनके भाई कौन आ जाएंगे यहाँ पर एच आ जाएंगे राइट right. अंकल है तो मेल हो गए प्लस कर दिया एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर एल जो है वो सिस्टर इन लॉ किसकी है आर की है

सॉरी ओ oh ये है ओ oh क्या है फीमेल है सिस्टर इन लॉ मतलब उसके भाई या बहन का हस्बैंड ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जे है जे मतलब क्या है फीमेल है तो ये क्या हो जाएगा फीमेल जे हो जाएगी फीमेल तभी ये इसका सिस्टर इन लॉ बन जाएगी द हस्बैंड ऑफ आर अब आर का हस्बैंड मतलब आर क्या है फीमेल है हस्बैंड जो भी होगा हैज टू चिल्ड्रन दो बच्चे हैं एक तो पी हो गया एक ओ हो गया ऑब्वियसली बात है ये दोनों भाई बहन तो दोनों इनके बच्चे होंगे एस सन इन लॉ ऑफ आर हजबैंड एस जो सन इन लॉ है आर के हस्बैंड का सही बात है एस यहाँ पर आ रहा है एस की जो डॉटर है उसका हस्बैंड कौन होगा सन इन लॉ होगा अब कौन सा पर्सन बचा यहाँ बचा है बस के यहाँ रख देते हैं देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि चार मैरिड कपल है चार है वन टू थ्री फोर और टू जनरेशन है देखो एक है फर्स्ट जनरेशन ये हो गई सेकेंड ये हो गई सॉल्व हो गया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू जे के किस प्रकार संबंधित है देखो के ये लिखा हुआ है जे लिखा हुआ है के कौन है इसका जे के कौन हो गए फादर इन लॉ हो गए राइट फादर इन लॉ में दे रखा आंसर ऑफ दिस ई ऑप्शन टिक कर देंगे आंसर वैसे क्या है फादर इन लॉ है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ इज आर रिलेटेड टू ओ आर किस प्रकार संबंधित है ओ से आर ये लिखा हुआ है ओ ये लिखा हुआ है आर के कौन हो गई आर इज मदर ऑफ ओ राइट मदर मीन सी ऑप्शन टिक कर देंगे ऑप्शन सी इज राइट हेयर फिर क्या पूछ रहे हैं हाउ इज एच स प्रकार संबंधित है आर से देखो एच ये लिखा हुआ है ना एच ये रखा है बी आर का देर आर एट में आर्ट मेंबर्स है कौन कौन से a, B, C, D, e, F, G, generation. Generation है एबीसी विद्री जनरेशन कितने जनरेशन है थ्री मतलब एक पहले हो गई फिर दूसरी फिर उसके बाद तीन जनरेशन हो गई बोल रहे हैं डी मदर ऑफ जी बनाना स्टार्ट करेंगे अच्छा यहीं बनाना पड़ेगा हमको आगे स्पेस नहीं है बनाते हैं यहाँ पर फिर हम डी क्या है मदर है किसकी जी की राइट right. तो बना लिया हमने डी इज अ मदर ऑफ किसकी जी एच इज द नीस ऑफ सी अब जो एच है वो क्या है भतीजी है किसकी भतीजी है सी की राइट right. तो मतलब सी ये हो गया अब इसके कोई भाई होगा भाई या बहन होगी उसकी जो बेटी होगी वो कौन हो जाएगी एच हो जाएगी इस तरह से कुछ होगा ए इज़ अ फादर ऑफ़ ई ए जो है वो क्या है ई e के फादर है बी हैज़ ओनली टू मैरिड सन बी के दो मैरिड सन हैं मतलब बी है कोई उसके दो बेटे हैं जो कि मैरिड है जी इज अ ग्रांड सन ऑफ बी अब जी जो है वो ग्रांड सन है मतलब जी नीचे आना है कहीं पर ग्रांड सन है मतलब या तो इसका बेटा होगा फिर इसका बेटा होगा राइट होगा तो इसका ही लेकिन बी क्या है उनके ग्रांड फादर हो जाएंगे अभी पता नहीं ग्रांड फादर या मदर पता डिपेंड करता है आगे आगे पता लगेगा एफ इज अस्टर ऑफ सी एफ कौन है फादर ऑफ जी अब जो सी right? अच्छा, है? है, uh, है वो किसके फादर है, G के है right? तो जी के फादर है राइट तो सी होगा जी के फादर इस तरह से ए इज नॉट मैरिड टू एफ और जो ए है उसकी शादी एफ से नहीं हुई है राइट right? अब देखो इसको हम सेट कर लेते काफी पता लग चुकी है हमें ये पता था कि डी जो है वो इसकी मदर है राइट अब ये पता लग गया कि जो सी है वो इसके फादर हैं अच्छा इनका एक भाई है भाई बहन बतानी और उसकी जो वाइफ है वो एफ है और उसका उसका जो बेटी है वो एच है हमें इतने बार पता लग गई है जो बी है जो जी है देखो वो क्या है मेल है राइट और जी किसका ग्रांसन है बी का मतलब और यहाँ देखा था बी के दो बेटे हैं तो इस तरह से यहाँ पर दो बेटे आ जाएंगे अच्छा तो ये सब हम सेट कर चुके हैं यहाँ पर ये पूरा हम सेट कर चुके हैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं अब क्या बचा है अब बचा है कि जो ए है वो फादर है कि इसके ई e के फादर है लेकिन ए और एफ की शादी नहीं होगी मतलब ए जो है यहाँ पर नहीं आ पाएगा इसका मतलब ये है कि ए यहाँ पर आ जाएगा ए मेल तो बी फीमेल होगा वाइफ है उसकी ई e जो है इनका बेटा है या बेटी जो भी है तो बेटे की स्पेस है तो यहाँ रख देंगे बेटा अब क्या बचा One, two, three, four, five, six, seven, हो, हो गए आठ लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हर सारे कंप्लीट हो गए तीन जनरेशन हो गई वन टू एंड थ्री राइट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्या देखा है बोल रहे हैं एच की मदर कौन है ये लिखा हुआ मेरे कौन होंगे इसकी एफ हो गई राइट एफ मीन ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर देंगे ऑप्शन ए इज राइट हेयर फिर क्या पूछ रहे हैं फिर पूछ रहे हैं ई e का भतीजा ई e का नेफ्यू देखो ई e ये लिखा हुआ है नेफ्यू मतलब भाई या बहन का बेटा तो बहन भाई का बेटा कौन है जी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी डेट इज ऑप्शन सी इज राइट हेयर जी फाइन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट से बोल रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड आउट ईच ऑफ हैव लेटर लेटर्स बिटवीन दैन पे वाला क्वेश्चन है ये तो आपको खुद सॉल्व करना है इसका आंसर आपको बताना है सॉल्व करिए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर यू हैव टू सॉल्व इन द कमेंट सेक्शन राइट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट से बोल रहे हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए अब देखो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा देखो ध्यान से अगर हम देखें तो क्या कर रहा है ये ई है फिर एच है फिर के है तो उसको प्लेस लिख लेते हैं ये फाइव है एट है ये इलेवन है राइट right? फिर ये वी क्या है वी है एच के होता है कितना एच का होता है यहाँ पर नाइनटीन राइट पी का कितना होता है सिक्सटीन अच्छा एक बार नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कि ई e और भी क्या है ये अपोजिट है एच ऑर एस क्या है अपोजिट है के और पी क्या है अपोजिट है एक दूसरे के ठीक है इसका मतलब कुछ अपोजिट ही आएगा राइट देखो अब क्या क्या से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम एम और एन आ सकता है ओ और पी नहीं क्योंकि ओ ओ पी का अपोजिट नहीं है एन और ओ भी नहीं है एम एन पॉसिबल है अच्छा एन पी भी नहीं है मतलब दो तो यहाँ से मतलब तीन तो यहाँ से हट गए तीन तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है आ पाना राइट अब देखो अब और क्या आ सकता है अच्छा नंबर्स में कुछ नंबर दोनों में ट्वेल्थ तो नंबर चेक करने की कोई नीड नहीं है अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो आठ नौ दस सॉरी पाँच छः सात आठ प्लस तीन हो रहा है आठ से अगर हम आगे आ रहे हैं नौ दस ग्यारह फिर प्लस थ्री थ्री हो रहा है अगर हम प्लस थ्री करें तो ग्यारह बारह तेरह चौदह राइट तो यहाँ पर कितना आ रहा है फोर्टीन आ रहा है फोर्टीन मतलब एन आ रहा है एन की स्पेस होता है एन का उल्टा क्या हो जाता है एम मतलब एन और एम आना है राइट इसका मतलब ये है क्या आएगा डी ऑप्शन इज राइट ईयर डी राइट है एन एम ट्वेल्व अच्छा ये कैसे आ रहे हैं नंबर नंबर चेक कर लो तो नंबर ऐसे आ रहे हैं ट्वेंटी वन से एट्टी मतलब कितने का पीछे जा रहा है कितना पीछे जा रहा है ट्वेंटी वन से कितना आ रहा है एट्टीन आ रहा है फिर कितना आ रहा है फिफ्टीन आ रहा है तो अगर हम बैक में जाते हैं तो माइनस थ्री हो रहा है फिर माइनस थ्री हो रहा है तो मैंने करेंगे तो कितना आ जाएगा तो ट्वेल्थ यहाँ से आ गया इस तरह से इसमें हमें फाइंड आउट करना था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट से बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर ये सिंबल यूज हुए साइन एक तो ये वाला और एक ये वाला यहाँ पर क्या आएगा और अगर ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है मतलब क्या Q को जाना है M के यहाँ पर लेकिन डैश लगा हुआ है हर किसी में अब Q ये लिखा हुआ है M ये लिखा हुआ है डैश है बिल्कुल ठीक बात है डैश है बिल्कुल ठीक बात है इसका मतलब है यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है या तो ये वाला वैल्यू आ जाए तब भी पहुंच जाएगा या फिर इक्व वाला तब भी आ जाएगा मतलब दो केस बन रहे हैं फर्स्ट वाले में आने में या तो ग्रेटर इक्वल आ जाए या फिर इक्वल आ जाए अगर ये नोटिस नोटिस करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है आप आना इक्वल इट कैन बी द आंसर हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है इट कैन बी द आंसर बी और ई आंसर हो सकते हैं अब नेक्स्ट पे देखो नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि एन को जाना है एफ के यहाँ पर एन को जाना है एफ के यहाँ पर एन ये लिखा हुआ है एफ ये लिखा हुआ है इसको इसके यहाँ जाना है अब ठीक बात है जब जाना है देखो हमें एक डेफिनेट केस तो यहाँ मिल चुका है मिल चुका है तो इसका मतलब ये यहाँ पर कुछ भी हो चल जाए इक्वल है तब भी चलेगा ये है तब भी चलेगा फिर ये तब भी चलेगा लेकिन साइन इस तरह वाला मतलब ग्रेटर वाला ही आना चाहिए लेस वाला साइन यहाँ पर नहीं चल पाएगा तो हमने नोटिस किया बी में तो ग्रेटर साइन है बट ई में क्या है लेसर साइन है इसका मतलब ई तो पॉसिबल नहीं है आंसर क्या जाएगा अब भी आ जाएगा बी इज राइट हेयर इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था फाइन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बोल फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली नॉट ट्रू कौन सा ट्रू नहीं होगा अगर ये वाला जो दे रखा है वो ट्रू है चेक करते हैं यू जाना डी के यहाँ पर यू ये लिखा हुआ है डी ये लिखा हुआ है देखो जा रहा है बिल्कुल ठीक बात है है जा रहा है। है कौन सा नहीं जा रहा है अब एस को जाना है एच के यहाँ पर एस ये लिखा लिखा हुआ है है true, true है है एच देखो जा रहा बिल्कुल ठीक बात बी भी ट्रू ट्रू है यहाँ पर सी चेक करो एफ को जाना है डी के यहाँ पर डेफिनेट केस है बट यहाँ पर डेफिनेट केस नहीं आ रहा है डैश लगा हुआ है इसका मतलब सी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो आंसर क्या जाएगा सी आ जाएगा चेक कर लो लास्ट वाला भी एल के जाना है जी के यहाँ पर एल से जी जा रहा है बिल्कुल ठीक बात है इसका मतलब

वाइफ आ जाएगी डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं ओनली सन मतलब क्या है और इनका बेटा है तो बताना है कि वो जो मैन है वो जो मैन है जिसकी बात कर रहे हैं वो इनका बेटा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो किस प्रकार संबंध संबंधित है किससे करण से अब देखो करण के बेटे का बेटा कौन हो गया ये इसका ग्रांड सन हो गया राइट right? तो बहुत ईजी था ये ग्रांड सन टिक कर देंगे ऑप्शन यहाँ पर डी इज राइट हेयर ग्रांड सन फाइन आयो समझ में आया होगा किस तरह से क्वेश्चन करने हैं तो आज की में काफ़ी मिस्टीरियस क्वेश्चन थे जो कि आपके वनमेन मार्क को इंक्रीज करते हैं इन द एग्जामिनेशन राइट

मेसली भी हम अपलोड करते रहते हैं तो आप पदल भी सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर आके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती है तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी उसके अलावा मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स फॉर वॉचिंगे